हाय दोस्तों, यार मैं बोल बोल के थक गया कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते हो। आप अपने दोस्तों में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहां मर्जी जाए आप मेरे वीडियो की लिंक को शेयर कर सकते हो और अपना प्यार मुझे दिखा सकते हो। भाई लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से जल्दी हर वीडियो को मेरे शेयर किया करो, ताकि मैं, हमारी जो ये फैमिली है, इस फैमिली को हम लोग और बढ़ाना चाहते हैं और हम लोग ऐसे ही इतना आगे बढ़ा देंगे हमारी फैमिली को और हमारी स्पेशली जो उन फिल्मों को जो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री की हो, बस वो फिल्में अच्छी होनी चाहिए, वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए, हम लोग उसको खुले दिल से सपोर्ट करेंगे और मेरा साथ आप लोग दोगे, यानी कि आप जो मेरे व्यूवर्स है आप लोग दोगे। खैर, जो मेरे काफी जो व्यूवर्स है उन लोगों की बहुत डिमांड थी कि भाई कवलधारी मूवी के ऊपर अपना रिव्यू करो, साथ साथ उसके अलावा बहुत सारी मूवीज थी, लेकिन मैंने आज दो फिल्में चूज किया हूं जिसके ऊपर मैं आज रिव्यू वीडियो बना रहा हूं। उसके अलावा मैंने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक मूवी बेल बॉटम वो भी देख चुका हूं, लेकिन उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल तो इस वक्त हम लोग सिर्फ कवलधारी और एक तेलुगु मूवी है मथु वदलारा, ये दोनों मूवी की अगर बात करेंगे, ये दोनों मूवी देखकर मुझे कैसा लगा। और मैं इतना आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लोगों ने वो दोनों ही फिल्में नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद आप लोग वो दोनों ही फिल्में जाके जरूर देखोगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन फिल्मों की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेजॉन प्राइम पे आपको ये दोनों ही फिल्में देखने को मिल जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आपको ये कन्नड़ा लैंग्वेज और तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेंगी। अगर आपको नहीं समझ में आती तो इंग्लिश सबटाइटल भी नीचे चलता, तो उससे आप लोग समझ जाओगे जैसे कि मैं समझता हूं मूवीज देख के। और मैं इतना ही कह सकता हूं भाई रिव्यू स्टार्ट करने से पहले कि वाकई में ये मूवी दोनों ही डिजर्व करती है आप लोगों का टाइम। तो चलिए ज्यादा समय नहीं, तो शुरू करते हमारा आज का ये वीडियो। लेकिन एक खास बात बोलूंगा कि इस वीडियो के एंड में एक यूट्यूबर है जिसने मुझे कहा था कि भाई आप मेरे चैनल को प्रमोट करा, तो मैं उनके चैनल को जरूर प्रमोट करूंगा लेकिन इस वीडियो के एंड में। खैर, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कवलधारी मूवी की। देखिए कवलधारी मूवी की बात करती है, ये सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, ये एक मास्टरपीस है मैं बोलूंगा, क्योंकि ट्रेलर मूवी तो आपने बहुत सारी देखी होगी लेकिन इसमें जिस तरह से बताया और जो ट्विस्ट एंड टर्न्स बताया ना भाई, दिमाग घूम गया था। मतलब एक टाइम पे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये, मतलब मैं फिल्म देख रहा हूँ कि क्या है, मैं उस जगह से नहीं हिल पा रहा था जहां पे मैं ये मूवी देख रहा था बैठ के। सीरियसली यार, अगर मैं आपको कहानी की बात करूं तो उससे पहले मैं बता दूं कि इसमें हमें कौन से एक्टर और इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जो परफॉर्मेंस है सबका अच्छा लगा और जो डायरेक्शन है, अगर डायरेक्शन अच्छा नहीं होता ना तो ये फिल्म इस लेवल की नहीं बनती जो ये फिल्म है। और वाकई में ये फिल्म ऐसी फिल्म है कि बॉलीवुड तो भाई इसका रीमेक बनाएगा, भले आज नहीं बनाएगा, वो एक दो साल के बाद बनाएगा, मगर जरूर बनाएगा, क्योंकि ये फिल्म वाकई में लार्जर ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए यार। जो इसका ट्विस्ट एंड टर्न्स और जिस थीम पे ये फिल्म है ना, बहुत ही तारीफ के काबिल है भाई। इस फिल्म में हमें नजर आते ऋषि, अनंतनाग सर और अच्युत कुमार सर, ये तीनों मेन लीड में आते हैं। हालांकि अनंतनाग सर का इतना ज्यादा रोल यहां पर नहीं, यहां पर इतना नजर नहीं आते जितना अच्युत कुमार और ऋषि नजर आते हैं। खैर, इस मूवी को डायरेक्ट किया है हेमंत एम राव ने। उसके अलावा हेमंत एम राव की बात करो तो इन्होंने अंधाधुन मूवी को भी लिखा था। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड की जो फिल्म अंधाधुन वो उनके राइटर यही है हेमंत एम राव। खैर, इस मूवी की कहानी की बात करो तो कहानी शुरू होती है ऋषि से, जो कि ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता जब कंस्ट्रक्शन साइट पे तीन ह्यूमन बॉडी की बोन्स मिलते हैं, लेकिन उसके बाद जो वहां की लोकल पुलिस होती है वो उस केस पर कुछ ज्यादा ध्यान देती नहीं है, वो एकदम इग्नोर कर देती है। लेकिन जो हमारे ऋषि जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करते अनऑफिशियल तरीके से। अब सबसे बड़ी बात इस फिल्म की, सबसे अच्छी चीज ये लगी मुझे कि एक आपने पुलिस इंस्पेक्टर को हमेशा किसी केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए देखा होगा, लेकिन एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर वो भी अनऑफिशियली केस को हैंडल कर रहा है, जो कि बहुत जबरदस्त लगता है। उसके अलावा इस फिल्म की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसमें जो मर्डर मिस्ट्री बताई है वो लगभग 40 साल पुराना केस बताया, तो 40 साल पहले क्या हुआ था उसको किस तरह से, मतलब विजुअलाइज करते हुए बताया इस पर्दे पर, मतलब स्क्रीन पर, वो बहुत अच्छा लगता है। यानी कि जब ऋषि एज इंस्पेक्टर जब वो बैठते सब वो केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, तब वो जो जो सीन उस टाइम पे जो चल रहा था तो उनके आंखों के सामने जब नजर आता है ना, तो वो हम व्यूवर्स लोग के लिए ना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि एक अलग यूनिक हटके अंदाज देखने को मिला, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा इस फिल्म में। उसके अलावा इस फिल्म में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स दिया और एंड, तो भाई मतलब यार मैंने प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाया कि मतलब ये क्या एंड हो गया यार, मतलब फुल टू घुमा दी एकदम फिल्म को। और यही सबसे बढ़िया इस फिल्म का एक बोलते ना मेन पॉइंट है। और मैं बोलता हूं इस मूवी में ऋषि ने जो काम किया है एज ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, भाई मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से पुलिस ऑफिसर लोगों को परफॉर्म करना चाहिए बिल्कुल उन्होंने उसी तरीके से परफॉर्म किया। उनकी बॉडी लैंग्वेज बोलो, उनके डायलॉग बोलने का तरीका, मतलब सबसे बेस्ट लगा। उसके अलावा मैं यहां पर दो लोगों का नाम और मेंशन करूंगा, एक तो अच्युत कुमार
जिनका काम इस मूवी में बहुत मुझे अच्छा लगा, और एक अनंत राग सर। अनंत राग सर इसमें तकरीबन 35 से 40 मिनट के बाद उनकी एंट्री बताइए, लेकिन ऐसा भौकाल वाली एंट्री बताइए, सीधा गन लेके आगू, मतलब अरे मैं मतलब यहाँ पर स्पॉयलर्स तो नहीं देना चाहता, मगर मैं इतना बोलूंगा कि ये वन ऑफ दी बेस्ट ट्रिलर मूवीज में से एक है, जो मुझे ऐसा लगता है कि जिसको लार्जर ऑडियंस ने नहीं देखा, और मैं चाहता हूं, मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं कि भाई इस मूवी को नहीं देखा तो जरूर देखो, अगर मूवी लवर्स हो तो आप जरूर देखना। अगर आप सोचोगे भाई ये कनाडा मूवी है यार ये का अच्छी होगी, तो आप लोग ये सोच है ना वो सोच को जरूर बदल जाएगी, अगर आप ये फिल्म को एक बार देखना दिल खुश हो जाएगा। यार मैं स्पॉयलर्स दे दूंगा, हाँ ये आपको अमेजोन प्राइम पे मिल जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे, भाई वीडियो को पूरा देखो यार, मत जाओ यार वीडियो देखो, अब हम लोग बात करेंगे तेलुगु मूवी मत्तू वडलारा के बारे में। देखिए ये भी एक ट्रेलर मूवी है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात है वो है कॉमेडी, ये कॉमेडी ट्रेलर मूवी है सब। और ये मूवी की जो शुरुआत होती है इसमें देखिए कॉमेडी पंचे से ज्यादा ना आपको सिचुएशनल कॉमेडी देखने को मिलेगी, यानी कि कहानी बहुत सिंपल है लेकिन जो ट्विस्ट एंड टर्न इसमें भी बताया ना आपको मतलब इतने जगह से हिलने नहीं देगा। और फर्स्ट हाफ तो ओ हो फर्स्ट हाफ तो ऐसा मतलब सिचुएशनल जो सिचुएशन हो रही है वो कहीं कहीं पे टेंस है, मतलब कि आपको हंसी नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा वो लोग ने पिक्चराइज किया है कि मतलब हंसी रुक नहीं पा रही थी मेरी। मैं यहाँ पर कुछ भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता, मगर फिर भी आपको एक छोटी छोटी कहानी की बता दूं। कहानी ये है कि बाबू नाम के दो दोस्त रहते, एक दोस्त होता है येशु और एक दोस्त होता है अभी। तो बाबू क्या उसकी सैलरी कुछ 11,000 होती है एज कोरियर बॉय, तो 11,000 में उसको कट कुट के सिर्फ 4,000 मिलती है। आप उसको 4,000 में घर का रेंट भी देना है, उसकी मनी ऑर्डर भी करना है, फिर सरवाइव भी करना है पूरा मंथ, तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है। वो परेशान की जगह दाढ़ी बढ़ा दिया, बाल बढ़ा दिया, मतलब बहुत डिप्रेशन में रहता है। लेकिन जब उसका दोस्त येशु उसको कुछ ऐसी ट्रिक बताता है पैसे कमाने की, मतलब ऐसा झोल झाल करने का तरीका बताता है जो वो तरीका पहले तो आजमाना नहीं चाहता, लेकिन जब वो तरीके को आजमाता है ओहो उसके बाद जो उसकी लाइफ चेंज होती है बाबू की, आपका पेट डूब जाएगा हंस हंस के। लेकिन ये मूवी में ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी फिल्म कॉमेडी है, कुछ इंटेंस सीन्स भी है इस फिल्म में, लेकिन ये फिल्म की जो कहानी जिस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स होती है और जो डायरेक्शन बताया है, मतलब यार मैंने आज तक बॉलीवुड फिल्म में इस तरीके की चीजें नहीं देखा। और मैंने ये दोनों ही फिल्मों के जो एक्टर्स है ना, मैंने इनकी एक भी फिल्म नहीं देखा, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे मैं एक सेकेंड के लिए भी ये दोनों ही फिल्म से बोर नहीं हुआ। एक कन्नड़ा मूवी, एक तेलुगु मूवी, दोनों ही लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन मैंने सबटाइटल से दोनों फिल्म देखा। कमाल की फिल्म है, डायरेक्शन लेवल एकदम हाई है, परफॉर्मेंस लेवल एकदम हाई है, राइटिंग बहुत बढ़िया है, और ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात करो तो ओहो मतलब यार गजब है। इतना कह सकता हूं मैं आपको, यहां पर मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, आप लोग खुद अपने जज बेटर हो। आप ये दोनों फिल्म अमेजोन प्राइम पर देख सकते हो, उसके बाद तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या तो वीडियो को शेयर करो, लेकिन यार ये दोनों फिल्मों को मिस मत करो, क्योंकि देखिए कुछ ही फिल्में हमारे इंडिया में बनती है। लैंग्वेज से डजंट मैटर लैंग्वेज, इफ द मूवी इज ओके बेस्ट तो आप उसको देखना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या मूवी लवर्स है ना, तो मूवी लवर्स को क्या करना चाहिए, मूवीज देखना चाहिए ना, कि यार हम लोग तो सिर्फ बॉलीवुड की फिल्म देखेंगे, यार हम लोग तो सिर्फ हॉलीवुड की फिल्म देखेंगे। नहीं, जो लोग होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, तो उनकी मेहनत को सराहो। और जब ट्रेलर मूवीज होती है तो उसके पीछे जो राइटर होते हैं ना, उनकी जो मेहनत होती है ना वो अलग ही लेवल की होती है। पूरी फिल्म में एक सेकंड में आप गैस नहीं कर पाओगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो सोचो ना उसकी राइटिंग क्या होगी। और मैं दोनों ही फिल्मों की बात कर रहा हूं, चाहे वो कबूलधारी हो चाहे वो मत्तू वडलारा हो, दोनों ही फिल्म में ट्विस्ट एंड टर्न्स, और यार बैकग्राउंड म्यूजिक हो या जिस सिनेमेटोग्राफी हो या टाइटल ट्रैक हो या तो म्यूजिक हो, मतलब यार एक अलग ही लेवल की दोनों फिल्में थी। और आज मेरा दिन बन गया भाई, सीरियसली आज मेरा दिन बन गया, वरना मैं सच बता रहा हूँ इतनी जो मेरे व्यूअर्स है वो लोग मुझे जो फिल्में सजेस्ट कर रहे हैं, मैं तो उनका थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोगों की वजह से कुछ ऐसी फिल्में देखने का मौका मिला जो शायद मैं अगर यूट्यूब चैनल नहीं होता तो मैं नहीं देख पाता यार, सीरियसली। अगर कवालूधारी का टाइटल ट्रैक की बात करूं तो कवालूधारी का टाइटल ट्रैक क्या जबरदस्त टाइटल है यार, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि आज शायद मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, वरना मैं तो आज फाड़ने वाला था। मैं पूरा सोच के आया था कि आज तो मैं पूरा फाड़ दूंगा, ताकि जो मेरी हिंदी ऑडियंस है उनको भी पता चल जाए कि एक्चुअली फिल्में क्या होती है। वो नल्ली नल्ली फिल्में देख के जबरदस्ती का अरे क्या भाई, पहले ये सब फिल्में देखो, ये सब फिल्में मिस कर दिया, और वो कुछ भी बिना सर पैर की मूवी को प्रमोट करते जा रहे हैं, उसको देखते जा रहे। अरे भाई सबर करो, जरा देखो, ठंडे दिमाग से सोचो। तो यार ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो एक लार्जर ऑडियंस है, जो हिंदी ऑडियंस की बात करो,
उन लोगों का हम लोग जो माइंड है ना उनको आप बताएंगे कि भाई कन्नड़ा मूवीज हो या तेलुगु मूवीज हो या तमिल मूवीज हो या बेसिकली साउथ की जितनी मूवीज है उनमें से कुछ ऐसी मास्टरपीस जो नगीने बन रहे ना भाई, तो उसका तुम रीमेक क्यों, ओरिजिनल चीज देखो, रीमेक देखो मना नहीं है लेकिन ओरिजिनल चीज देखो, ज्यादा मजा आता है, कुछ एक अलग एहसास होता है जो आज मुझे फील हुआ। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग इतना पूरा वीडियो देखोगे नहीं। तो बस यार वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब, और दोनों ही मूवी आपको अमेजॉन प्राइम पर मिल जाएगी। वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो नहीं भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक पहले करो और शेयर दबा के करो, जितना शेयर करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा। और बेल बॉटम का अगर रिव्यू चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करना ही पड़ेगा, शेयर करो कमेंट करो फिर उसके बाद बेल बॉटम, क्योंकि बेल बॉटम भी भाई एक नेक्स्ट लेवल वाली पिक्चर है, मैंने देख लिया इसके लिए बोल रहा हूँ। तुम्हें देखना है बेल बॉटम तो किक स्टोरेंट से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज कहीं से भी नहीं मिलेगी तुम्हें बेल बॉटम, इतना बता दिया। तो चलिए मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो के, दुआ में याद रखना मेरा नाम है राशि शेख, आप है अरहान एंटरटेनमेंट में, बाय। हाँ वो यूट्यूब चैनल है MD आफ्ताब टेक, तो अगर आपको चैनल पसंद आता तो आप चैनल पे विजिट कीजिए, उस चैनल को देखिए, अगर अच्छा लगता तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बस यार मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो, बाय।